आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भूमिका और आई नजर आते हैं दिन भर की टॉप 10 खबरों पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिहाज से शनिवार का दिन बेहद अहम है। छत्तीसगढ़ में आज पहले चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ में मैराथन रैलियां करेंगे। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के तीखे विरोध के बीच राज्य सरकार 18वीं सदी के मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की आज जयंती मना रही है। भगवा पार्टी सहित तमाम संगठन राज्य सरकार के कार्यक्रमों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 26 के दौलतपुर गांव में करीब 150 झुग्गियां जलकर खाक हो गई। झुग्गियों में आग लगने से करीब 500 लोग बेघर हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शनिवार सुबह से जारी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया है। ये मुठभेड़ तिवक्किन इलाके में हुई है। जानकारी के मुताबिक फिलहाल एनकाउंटर बंद है, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 नवंबर से सिंगापुर की 2 दिवसीय यात्रा करेंगे और वे इस दौरान पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि पीएम मोदी इस यात्रा में कुछ अन्य समारोह में भी भाग ले सकते हैं। सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त केवी चौधरी की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष शुक्रवार को उपस्थित हुए और विदेश निदेशक राकेश अस्थाना द्वारा उनके ऊपर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के लगातार दूसरे दिन खंडन किया गया। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने शुक्रवार को सबरीमाला मंदिर के मुद्दे पर भाजपा और आरएसएस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस सबरीमाला मंदिर को अपवित्र न करें। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबला करने के लिए विपक्षी दलों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने शुक्रवार को चेन्नई के डीएमके चीफ एमके स्टालिन से उनके घर जाकर मुलाकात की। कोलंबोरो श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने देश के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को बर्खास्त करने के बाद उपजे राजनीतिक और संवैधानिक संकट के बीच शुक्रवार को देश की संसद को भंग करने का आदेश जारी किया है। ट्रंप प्रशासन आईटी पेशवारों में विशेष रूप से लोकप्रिय H-1B वीजा के वर्तमान प्रावधानों में कुछ बदलाव करना चाहता है, ताकि इसके तहत सिर्फ बेहद कुशल विदेशी पेशवारों को वीजा मिल सके और ये सिर्फ आउटसोर्सिंग का तरीका बनकर ना रह जाए। हमारी टॉप 10 खबरों में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए 7i न्यूज के साथ। नमस्कार।